डूंगरपुर सिटी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार डूंगरपुर से कहीं जाने के लिए रोडवेज बस उपलब्ध है या नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में RSRTC की लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके RSRTC की साइट खोले या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल खोले और सर्च करे RSRTC। उसके बाद सबसे पहले जो लिंक आएगी उस पर क्लिक कर आप RSRTC की साइट खोले। RSRTC की साइट खुलने के बाद अगर आप चाहे तो हिंदी पर क्लिक करके साइट की भाषा हिंदी में बदल सकते हैं। पहले कॉलम में आपको जहां से यात्रा प्रारंभ करनी है उस स्थान का नाम सर्च करें। दूसरे कॉलम में आपको जिस स्थान जाना है वहां का नाम सर्च करें। उसके बाद अपने यात्रा की तिथि डालें और उपस्थित डिपोट को चुनें। उदाहरण के लिए मैं आपको डूंगरपुर से उदयपुर के लिए बस सर्च करके बताती हूँ। पहले कॉलम में डूंगरपुर सर्च करें और दूसरे कॉलम में उदयपुर सर्च करें। दोनों को डालने के बाद यात्रा की तिथि सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डूंगरपुर डिपोट सिलेक्ट करते हैं। सभी डिटेल्स डालने के बाद खोजे पर क्लिक करें। आपके सामने उपलब्ध सभी बस की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जिस भी समय आप यात्रा करना चाहते हैं आप उसे चुन सकते हैं। रूट पर आप क्लिक कर देख सकते हैं कि बस किस रास्ते से जाएगी। किराया राशि पर क्लिक कर आप कुल किराया राशि देख सकते हैं। और अंत में उपलब्धता देखे पर क्लिक कर टिकट बुक कर सकते हैं। आशा करते आपको इस वीडियो के माध्यम से डूंगरपुर से कहीं जाने के लिए रोडवेज बस उपलब्ध है या नहीं यह कैसे देखे समझ में आया होगा। डूंगरपुर से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो के लिए डूंगरपुर सिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।